हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित्रेन श्रीवास्तव है और मैं पेस नासिक सेंटर का सेंटर हेड हूँ। साथ में मैं यहाँ का फिजिक्स का एचओडी हूँ, है ना। इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ले चुका हूँ, जहाँ पे मैंने तुमसे बात करी थी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ते क्यों हैं और फिजिकल क्वांटिटीज का आगे यूजेस क्या है। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज को हम कई तरह से क्लासीफाई करते हैं, है ना। लास्ट जो लेक्चर था मेरा वहां पे, तो मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उसको हमने नाम दिया था स्केलर, और जो दूसरी मेरी फिजिकल क्वांटिटीज थी उसको मैंने नाम दिया था वेक्टर। तो वहां पे हमने स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि स्केलर की क्या प्रॉपर्टीज है, वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज है। तो जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक यहां पर लेने जा रहे हैं वहां पर, वो हम बात करेंगे किसकी, वेक्टर की। मैंने ये भी वहां पर डिस्कस किया था कि जो वेक्टर है वो मैथ्स का टॉपिक है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि आगे जाके कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जो वेक्टर्स होती हैं, और उन वेक्टर्स क्वांटिटीज को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या फिर मल्टीप्लाई करना हमें आना चाहिए एक्चुअली, है कि नहीं। तो सबसे पहले जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स में भी सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। तो वेक्टर में भी हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जब भी मैं तुमसे बोलता हूं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एक तो हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, और दूसरी हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट इट्स डायरेक्शन। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि मुझे दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एक मुझे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, और दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए उसके डायरेक्शन के बारे में। क्लियर है ना। अब देखो, वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करना जाते हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। जो पहला मेथड होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या होता है, वहां पर हम एक इस तरह का एरो ड्रॉ करते। तो जब भी हम ग्राफ पेपर पे या कॉपी पे इस तरह का एक एरो ड्रॉ करते हैं तो ये जो एरो होता है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम इस एरो की बात करते हैं तो इस एरो के दो कंपोनेंट हैं वहां, या दो पार्ट हैं। एक जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टेल। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये एरो किससे मिलकर बना है, तो ये एरो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो इसका टेल है, और ये जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट इसका हेड है वहां। अब देखो, जब हम टेल की बात करते हैं तो टेल को हम क्या बोल रहे हैं, लाइन की लेंथ। तो जो भी लाइन की लेंथ है उसको हम बोल रहे हैं टेल। और ये टेल क्या बताती है, ये टेल बताती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में। और जब हम हेड की बात करेंगे तो हेड क्या इंडिकेट करेगा, हेड इंडिकेट करेगा उसके डायरेक्शन। क्लियर। तो जब भी हम फिजिक्स में या मैथ्स में इस तरह का एक एरो ड्रॉ करेंगे तो वो जो एरो रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इस लाइन की जो भी लेंथ रहेगी वो रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और जो हेड रहेगा, हेड पॉइंट आउट करेगा किसको, डायरेक्शन को। क्लियर। तो ये चीज नोट करो पहले वहां पर है। अब जैसे देखो, वहां पर मान लो अगर मैं इसको पहले नोट डाउन करूं, तो मैं इसको रब करता हूं वहां पर। क्लियर। तो टेल जो रहेगा, टेल रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और जो हेड रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा उसके डायरेक्शन को। अब जैसे मान लो यहां पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया कि मान लो ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया, मान लो ब्लॉक का मास एम है वहां पर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक पे हमने इस तरह से एक फोर्स अप्लाई किया, और मान लो ये फोर्स है मेरा 10 न्यूटन का, है कि नहीं। अब इसको अगर हमने डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने डिफाइन कर दिया वाई एक्सिस। अच्छा, अब इस डायग्राम को देख के बताओ, इस डायग्राम को देख के क्या बोलोगे, इस डायग्राम को देख के हम बोलेंगे कि ये जो ब्लॉक है
ये जो ब्लॉक है इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रहा है। क्लियर? इस डायग्राम को देख के तुम क्या बोलोगे, इस डायग्राम को देख के तुम बोलोगे कि इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये एक्ट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर फॉर्म में क्या करो, रिप्रेजेंट करो, है कि नहीं? तो अब जो पहला तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उसमें हमें जरूरत पड़ती है ग्राफ पेपर की। तो जैसे मान लो जो ग्राफ पेपर देखा होगा, तो ग्राफ पेपर में इस तरह से वहां पे स्क्वायर्स बने होते हैं, और चेक करना वहां पे जो एक स्क्वायर होता है वो एक सेंटीमीटर का होता है। तो अगर मान लो मुझे यहां पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या किया, इसको हमने डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस, इसको हमने डिफाइन कर दिया वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया, जब भी हम ग्राफ पेपर यूज करते हैं तो वहां पे याद होगा हम लोग पहले स्केल चूज करते थे, तो हमने स्केल पे क्या मान लिया, मान लो हमने स्केल पे मान लिया कि एक सेंटीमीटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 न्यूटन को। तो ये जो भी ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे हमने स्केल चूज कर ली, और हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि एक सेंटीमीटर जो है वो 5 न्यूटन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो वेक्टर है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन खींचेंगे। तो देखो मैंने यहां पे इस तरह से एक लाइन खींची, अब चेक करो इस लाइन को, देखो जरा यहां पे, अगर इस लाइन को यहां पे देखोगे तो बताओ इस लाइन की लेंथ क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, इस ये जो लाइन है, इस लाइन की लेंथ जो है वो यहां पे 2 सेंटीमीटर है। क्लियर नहीं गिरा है, इस डायग्राम को देखो जरा, यहां पे जो मैंने लाइन खींची है इस लाइन की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 5 न्यूटन के बराबर है। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमने लाइन खींची है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 10 न्यूटन को। साथ में अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, हेड लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। अब ये वेक्टर क्या बता रहा है, ये वेक्टर बता रहा है 10 न्यूटन का फोर्स जो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर वहां पे? तो जब भी हम ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो ग्राफ पेपर पे हमेशा हम स्केल लेंगे, और उस स्केल पे हम लाइन की लेंथ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। मान लो फिर से देखो, यहां पर मैंने एक और फोर्स लगाया, मान लो इस फोर्स को मैं एफ डैश बोल रहा हूं, और ये एफ डैश फोर्स 15 न्यूटन। अब बताओ ये डायग्राम देख के तुम क्या बोलोगे, ये डायग्राम देख के तुम बोलोगे कि ब्लॉक पे 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये 15 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर का मतलब हो गया अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ब्लॉक पे 15 न्यूटन का फोर्स है, और ये 15 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। अब मान लो मुझे इसको भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने एक लाइन खींची, अब चेक करो लाइन की लेंथ कितनी है, इस लाइन की लेंथ अगर चेक करोगे तो यहां पे 1 सेंटीमीटर, यहां पे 2 सेंटीमीटर, और यहां पे 3 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस लाइन की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 15 न्यूटन है। अब मुझे ये कहां शो करना है, ऊपर की ओर, तो मैं यहां पे हेड पुट कर दूंगा। तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि ये 15 न्यूटन फोर्स है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये 15 न्यूटन का फोर्स है जो एक्ट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये अगेन एक वेक्टर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है 10 न्यूटन का फोर्स है, और 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है इतना? अब फिर से देखो, मान लो इस ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रहा है, और मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, अब इस डायग्राम को देख के तुम बताओ कि इस ब्लॉक पे जो तीसरा फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। क्लियर? जल्दी नहीं है अपने को,
तो इसको आराम से सोचो यहां पे, तो देखोगे यहां पे कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली मैंने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है, और पहले हम डिफाइन कर चुके 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर है। इसका मतलब है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 25 न्यूटन फोर्स। क्लियर? अच्छा, ये जो 25 न्यूटन का फोर्स ये कहां लग रहा है, तो मैंने हेड कहां पुट किया है, नीचे की ओर, नीचे का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर। तो अब तुम क्या बोलोगे, 25 न्यूटन का फोर्स है और ये फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर वहां पर? तो जब भी हमें किसी वेक्टर को ड्रॉ करना होगा या जब भी हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, तो तरीका मेरा क्या है, जब भी हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो हम ग्राफ पे क्या करेंगे कि एरो ड्रॉ करेंगे। जब भी हम ग्राफ पे एरो ड्रॉ करेंगे तो लाइन की लेंथ बताएगी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो भी हेड रहेगा वो पॉइंट करेगा किसको, डायरेक्शन को। मान लो अगर मैंने यहां पे इस तरह से एक लाइन खींची और इस तरह से हेड पुट कर दिया, अब चेक करो इस लाइन की लेंथ क्या है, यहां से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर है। तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे 20 न्यूटन का फोर्स है, और ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है इट इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है। क्लियर? तो जब भी हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, लाइन की लेंथ रिप्रेजेंट करेगी उसके मैग्नीट्यूड को, और हेड पॉइंट आउट